हम आपको बता दें, बजट से पहले कैबिनेट मीटिंग के लिए मंत्रियों का मुख्यमंत्री आवास पहुंचना शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है मुख्यमंत्री आवास पर, और उसके लिए मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। तो बजट उत्तर प्रदेश का आने में लगभग 1.5 घंटा बाकी है, और उससे पहले होनी है कैबिनेट मीटिंग सीएम आवास पर, और उसके लिए मंत्री पहुंचने शुरू हो गए हैं। आज सुबह 11 बजे यूपी का बजट पेश होने जा रहा है, उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें हो सके अप्रूव उर्वरक उनको सस्ते कीमतों पर मिल सके, साथ साथ में जो है उन्हें जो है उनके उत्पादों को ठीक प्रकार से खरीद हो, इसके लिए प्राथमिकता दी है। और इस बजट में भी जो कुछ भी होगा वो किसानों के हित में होगा। किसानों का आंदोलन जारी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहूंगा। तो इस वक्त सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे, और उनका यही कहना था कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। आपसे थोड़ी देर बाद बजट आने वाला है, लगभग 1.5 घंटे बाद। हालांकि किसानों के लिए जब सवाल पूछा गया तो उस पर उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन उम्मीद सबको यही है क्योंकि किसान आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है, 90 दिन बीत चुके हैं। किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान क्या सरकार कर सकती है, उनको किस किस तरह से राहत दी जा सकती है, इस पर फिलहाल नजर बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये, थोड़ी देर में कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने जा रही है सीएम आवास पर, और उसके लिए मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। जिस तरह बजट पेश करने से पहले एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, कैबिनेट उसको अप्रूव करता है, उससे पहले जो वित्त मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री को बजट की मुख्य बातें बताते हैं।